क्या भैया डराता है कितना में पजाते? 30 रुपए। तो पहली बार तो कम में पजाते, तभी सारे समय ये खराब हो, मूंग चले आते ही नहीं, मूंग चले आते नहीं तो कम में पजा दो, 25 दे दे, 5 कम दे दो, क्या होगा 25 में पजा दो। हीरालाल काय बने रहो इसे खाना में मसालो कुटी रहो तो बहन हाँ ये वाटी रहे, ये कर रहे अमृत पानी बनाने के लिए नीम के पत्ती ने वाटी रहे जहाँ कहीं खाना के लिए नहीं बने रहे के आज तो। ये अमृत पानी का ही होता है न का ही काम आओ आओ बहन अमृत पानी कसो बनाए वो के कसी विधि छे वो का हम बताओ तुमको कसो बनाओ वो आओ तुम्हें यहाँ बटो तो हम बताओ तुमको हम थोड़ी देर रुकी जाओ दूसरी बहन ने बुले लाओ सबको समझे दीजिए। हाँ जी जी सबने को बुले लाओ हाँ तुमको सबने को एक साथ में सिखा दी है नी कसो बनाओ ना आओ जीजी आओ बटो या जीजी आप फसल का कीड़ा मारना के लेने याद से दवा और जो उपटा ये आवाज है वो का लेने से नहीं उपटा बीमारी आवाज फसल की वह दवा है। क्यों भैया ये उपटा बीमारी क्या चीज होती है? जी जी आप उपटा बीमारी यही चीज आई कि या ये छने घाव टापा उमवाई जाए वो का कही उपटा बीमारी है। हाँ भाई यार दवाई तुम बनाई रहा अति काई कई सामान लगन काई पर चल काई कई लग जे काम सामान एक मटको ले आवांगा वो काम 10 लीटर पानी चाहिए और 1 किलो गोबर चाहिए और 1 लीटर गोमात्र चाहिए 1 इमामदस्तो चाहिए और 1 किलो नीम की पत्ती चाहिए और 1 किलो बेसन चाहिए और 100 ग्राम गुड़ चाहिए। क्यों भैया ये मानदस्ता की काय जरूरत छे? जी जी नीम के पत्ते का छे ने कुटणो पड़ा जका से खल पत्ता की जरूरत पड़ा जके मानदस्ता की जरूरत पड़े सामान ते इकट्ठो कर लियो आप बनाणो बते दियो। ये जी जी 1 हेक्टर कल्याण सामग्री छे 1 हेक्टर कल्याण अपने का वापरे सके। सबसे पहले जी जी अपन एक मटको ले आवांगा वो काम 10 लीटर अपन पानी मिलावांगा हाँ जी जी अपन पानी डाल दियो 10 लीटर अभी एक काम एक किलो बेसन मिलावनु छे है ने अच्छी तरह से अभी अपन ने पानी में बेसन डाली दियो एक अपन का अच्छी तरह से मिलावनु छे ने हाँ इनके 1 किलो ये नीम की पत्ती का अच्छी वाटी ली अभी एक मिलावांगा अपन एक बाद अपन 100 ग्राम गुड़ बारीक वाटेलो वो मिलावा है ने
क्यों भैया गोबर तो नहा क्यों नहीं? गोबर और गोमाती अभी डलाएगा ये काम। अभी ये काम 1 किलो गोबर डालेंगे और अच्छी तरह से मिले लिया हम। गोबर का अपन मिले एक डंडा से अच्छी तरह से मिले दियो। अभी सबसे आखिरी में अपन काम गौमूत्र मिलावांगा। यो 1 लीटर गौमूत्र छे यो भी अपने काम मिलावांगा। क्यों भाई अपनी दवा तैयार हुई गई? अभी नहीं तैयार हुई। एक अपन एक पॉलिथीन की थैली से एक मुंह बांधी रखांगा और 11 दिन बाद में अपने दवा तैयार होगी। क्यों भैया 11 दिन लग कहाँ रखेंगे? एक ठंडी और छांव वाली जगह पर रखना पड़ेगा। क्यों भाई अपन एक बांधीन धरी देवांगे तो बीच में छोड़ी देखनू थी हिलाना पड़ा कहीं नहीं? एक जीजी अपन ने 11 दिन तक छोड़नू नहीं है। एक भैया ये कुछ सावधानी न रखना पड़ेगा। एक ठंडी और छाया वाली जगह पर सुरक्षित रखना पड़ेगा। एक ऐसी जगह पर रखना चाहिए कि वहाँ बच्चा न की दूर रखना चाहिए, बच्चा नहीं जाए वहाँ, ऐसी जगह पर रखना चाहिए। ये जीजी वो बनी जाएगा नहीं, उसका बाद में एक अपन का हाथ से नहीं निकालना है, एक अग्राला वाटर निकालना पड़ेगा। एक कभी अपन हाथ से निकाला तो कभी हो ही सके अपने हाथ में भी चमड़ी भी जल सके, जगह अपन का हाथ से नहीं निकालना है। क्यों भाई यह दवा अपन कौन कौन पर केनी केनी फसल पर छिटी सका? एक सबसे पहले तो जीजी एक नर्सरी अपन सब्जी की नर्सरी पर वो वापरी सका और वह बाद में अपन सब्जी की फसल पर और गेहूँ चना और सरसों पर अपने को वापरी सका जगह वापरी सका। आसो तो जीजी एक अपन सभी फसल पर छिटे सका जगह कोई दुखदायक वाली या हानिकारक वाली चीज नहीं है। अच्छी दवा छे, टॉनिक की दवा छे। क्यों भैया 100 लीटर पानी में कितनी दवाई लेनी छे? एक 100 लीटर पानी में 15 लीटर दवा मिलावनी छे अपन का। नर्सरी की मिट्टी और नर्सरी की कंपोस्ट में भी एक अमृत पानी का मिल ही सका। तुमने हमको इतनी अच्छी दवा बनाने बतायो कल, धन्यवाद।